रजिस्टर बुक्स हैं ये 1974 में फर्स्ट टाइम जो है रखी गई थी, और ये उस वक्त से ट्रेडिशन चला आ रहा है। और जो एज सच ऑथराइज लोग हैं जो इसमें कर सकते हैं, इसमें फॉरेन डिग्निटरीज हैं, फेडरल मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ऑफिशियल डेलीगेशन जिनको आप आम लफ्जों में रीत या फूलों की चादर जो चढ़ाने आते हैं ऑफिस से, उनके लिए ये रीत बुक जो होती है विजिटर्स बुक्स ये रखी जाती हैं। 74 ऑनवर्ड्स आप खुद इमेजिन कर लें कि जो पाकिस्तान आता है और वो ज़रूर फॉरनर मज़ार पे ज़रूर आता है। लेकिन अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करें, अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर वहाँ उनका यहाँ पे है, नेल्सन मंडेला का यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। ऑन एन एवरेज हमारे पास साल में मे बी 300 to 400 ऑफिशियल रीथ आती हैं। और ये कहूँ कि रिक्वेस्ट कितने करते हैं तो वो तो पता नहीं, शायद मेरा भी दिल करता है कि काश मैं भी उस पर मार्क्स पास कर सकूँ, तो उसको वो नंबर तो देना बहुत ही मुश्किल काम है। एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर ऑल बाउंड टू मेक मिस्टेक्स वन डे और अनदर, तो बाज़ोका तो कोई हो भी जाती है, तो वो जो भी हमारे एंड से यूजुअली मैं ही होता हूँ या कुछ और कोई भी, अगर कोई अदर ऑफिशियल उस पर खड़े तो हम उनको उसी वक्त पॉइंट आउट कर देते हैं कि सर यू नीड टू करेक्ट दिस, तो वो उसी वक्त करेक्ट आउट कर दिया जाता है। इस वक्त जो है हमारी 17 बुक्स हो चुकी हुई हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं, ईच कंटेनिंग 100 पेजेस, और 18th बुक जो है वो चल रही है। पेपर्स में जो सबसे हाई क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ लाइफ वो करेंसी नोट की होती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये एग्जैक्टली सेम वही कागज़ है जिससे करेंसी नोट बनते हैं, और इनफैक्ट ये बुक्स भी जो है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस से ही छप के आती हैं, ये और कहीं से नहीं बनती। जैसे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर या कुछ फॉरेन एम्बेसडर आते यूजली वो ग्रीन से या टॉर्काइज कलर के पेन से लिखते हैं, और वो इंक पेन से लिखते हैं, जबकि नॉर्मल डिग्निटरीज जो होते हैं वो ब्लैक भी यूज़ कर लेते हैं, मतलब जो पॉइंटर बेस्ड होते हैं वो यूज़ करते हैं।